सो गाइस, आज की इस वीडियो में आप सभी लोग को यहाँ पर मैं ऑफर लेकर आया हूँ। यदि आप लोग पेटीएम पोस्टपेड से यहाँ पर लोन लिए हैं, तो यदि आप लोग सेटलमेंट कराना चाहते हैं, तो ये आपके लिए बहुत बड़ा मतलब कि खुशखबरी यहाँ पर होगी। तो आपका लोन अमाउंट मान लीजिए 1 लाख से ज्यादा है, चाहे 20,000 है, 50,000 है, जितना भी आपका अमाउंट है, आप मतलब कि थक चुके हैं रिपेमेंट कर कर कर, बस आपको ये चीज मतलब कि ये करना है कि बस आपको सेटलमेंट कराना है। तो कैसे सेटलमेंट होगा, उसके बाद आपने कंपनी में भी आपने बात कर लिया, कंपनी में बात कर लिया, कॉल पर बात कर लिया, रिकवरी एजेंट आपके घर पर जस्ट विजिट करके मतलब कि चले गए, तो वहां पर भी आपको सॉल्यूशन नहीं मिला कि भाई हम सेटलमेंट आखिरकार कैसे कराएं, हमको सिंपली सेटलमेंट कराना है। तो आपके मन में यही चल रहा है कि सेटलमेंट कैसे ना कैसे हो जाना चाहिए। यदि आप लोग सेटलमेंट कराना चाहते हैं तो 100% आपका सेटलमेंट यहां पर हो जाएगा। बस आपको ये करना है, हमसे आप लोग कॉन्टेक्ट कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारा इंस्टा आईडी टेक्निकल जी पर यूजर आईडी है, तो जस्ट आप सर्च कीजिए, नहीं लिंक ओपन होता होगा तो आप लोग 3 लाख का लोन, 5 लाख का लोन, 10 लाख का लोन, जितना अमाउंट का आपने पेटीएम पोस्टपेड से लोन उठा रखा है, पहले तो ये चीज हम नहीं करवाते थे, लेकिन अब सेटलमेंट हम करवा रहे हैं। यदि आप लोग पेटीएम से लोन लिए हैं, स्पेशली पेटीएम वालों के लिए है, बाकी तो यहाँ पर जिससे कॉन्टेक्ट हमारा बनेगी उस पर हम वीडियो बना देंगे कि यदि उसका सेटलमेंट आप करवाना चाहते हैं तो हमसे आप कॉन्टेक्ट कीजिए। तो फाइनली यहाँ पर पेटीएम से मतलब कि कॉन्टेक्ट यहाँ पर हो चुकी है, और आप लोग सेटलमेंट कराना चाहते हैं तो हमको आप लोग याद कीजिए, कितना का भी लोन है। चलिए यहाँ पर ये भी बता देते हैं कि नहीं रिपेमेंट कीजिएगा तो क्या होगा। कितना लोग बेसिकली ये वीडियो में जानना चाहते हैं कि नहीं रिपेमेंट करेंगे तो क्या होगा, तो दोस्तों आपको बता देना चाहता हूँ कि नहीं, आप रिपेमेंट कीजिएगा तो सिविल स्कोर डाउन होगा, उसके बाद जस्ट आपके घर पर रिकवरी एजेंट विजिट करेंगे, आएंगे घर पर और बोलेंगे कि आप लोन लिए थे, लोन रिपेमेंट कीजिए, नहीं रिपेमेंट कीजिएगा तो ऐसे आपके घर पर आएंगे जाएंगे, ऐसे मतलब उनका सिलसिला चलता रहेगा। आप पैसा दे दीजिएगा तो उसके बाद जो भी सिलसिला है रिकवरी एजेंट का यहाँ पर बंद हो जाएगा पूरा तरीके से दीजिएगा तो। लेकिन आपने सेटलमेंट की बात छेड़ दी रिकवरी एजेंट से, उन्होंने नहीं मान रहे हैं, रिकवरी एजेंट नहीं मान रहे हैं, बोल रहे हैं कि नहीं हम सेटलमेंट नहीं करेंगे, लेंगे तो पूरा पैसा लेंगे, प्रॉपर पैसा लेंगे। कंपनी में भी आप लोग बात कर लिए, वो भी बोल रहा है, कंपनी में से भी बोला जा रहा है, कॉल पर भी बोला जा रहा है कि तो लेंगे तो पूरा पैसा लेंगे, अथवा हम पैसा मतलब कि आपसे कैसे न कैसे निकाल कर रहेंगे, नहीं दीजिएगा तो आपके घर पर हम विजिट करेंगे। तो आप लोग यूट्यूब पर सर्च करते रहते हैं कि कैसे हम सेटलमेंट कराएं, कोई भी आप एप्लीकेशन से लोन लेते हैं तो जस्ट आपके मन में यही चलता है कि भाई हमारा सेटलमेंट हो जाए, ड्यूज माफ हो जाए, ये चीज हो जाए, ये सा हो जाए। तो आप सेटलमेंट कराना चाहते हैं तो हम आपका सेटलमेंट 100% कर देंगे पेटीएम पोस्टपेड का, जस्ट आपको हमसे कॉन्टेक्ट बनाए रखना है। कितना का भी लोन है भाई, कितना का भी लोन हो, कितना का भी, आप 10,000 का भी लिए हैं, कम अमाउंट का भी लोन लिए हैं, तो सेटलमेंट यहाँ पर हो जाएगा, नो डाउट, नो टेंशन लेने वाली कोई भी यहाँ पर बात नहीं है। तो जस्ट कॉन्टेक्ट कीजिए, इंस्टाग्राम पर मैसेज कीजिए कि पेटीएम पोस्टपेड से हम लोन लिए हैं और मेरा सेटलमेंट करा दीजिए, तो 100% आपका मैं सेटलमेंट करा दूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाकी और कुछ जानकारी जानना चाहते हैं तो हमारे इंस्टाग्राम पर मैसेज आप लोग कर सकते हैं, वहां पर जानकारी अच्छी तरीके से आपको दे देंगे, कैसे सेटलमेंट कराना है, क्या क्या प्रोसेस लगेगा, वो सारा चीज आपको हम बताएंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको भेजना पड़ेगा ताकि वो लोग देखे, उसके बाद डिसाइड करे कि आपको इतना पैसा देना है, इतना ही में सेटलमेंट यहाँ पर होगा। लेकिन आप लोग सोचते होंगे कि बैंक जैसा सेटलमेंट होता है, तो बैंक जैसा सेटलमेंट नहीं होता है, 20% 25% बैंक जैसा सेटलमेंट नहीं होता है भाई। आप जस्ट कॉन्टेक्ट कीजिए हमसे, आपको हम बता देंगे कितना पर सेटलमेंट होगा, एग्री करते हैं तो सेटलमेंट हो जाएगा, नहीं एग्री करते तो नहीं होगा भाई, जस्ट आपको हम तो अमाउंट बता देंगे कि भाई इतना पर सेटलमेंट होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मेरा वीडियो डालने का काम था, यदि आप लोग सेटलमेंट कराना चाहते हैं तो हमको याद कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, जय हिंद जय भारत दोस्तों।